अस्सलाम वालेकुम एंड हेलो पीपल, व्हाट्स अप, वेलकम बैक टू शोकड़क रिएक्शन। मैं मोहम्मद शाविस। मोहम्मद जुनैद, बहुत दिनों बाद। नहीं, बहुत दिनों बाद नहीं, एक हफ्ते एक बाद। हफ्ते बाद। ओके, सो आज हम लोग रिएक्ट करने वाले हैं द जर्नी, द मैजिकल जर्नी ऑफ कोक स्टूडियो सीजन 14, टू झूम, जिसके कलाम के ऊपर रिसेंटली हमने रिएक्ट किया था, टू झूम कलाम के ऊपर। एंड बहुत सारे कमेंट्स आए कि रिएक्ट ऑन द जर्नी द BTS। सो हम लोग रिएक्ट करने वाले हैं उसके ऊपर। शुरू करने से पहले, अगर आप लोगों ने हमारे चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन बेल रिंग कीजिए फॉर मोर एंटरटेनमेंट, एंड यू कैन फॉलो अस ऑन इंस्टाग्राम, के लिए डिटेल्स हमने दिए हैं। एंड यह इनायती है, कुछ अलग दिख रहा होगा आज, लेकिन ये इनायती है। थोड़ा बहुत आई हैव चेंज्ड माय स्टाइलिस्ट। स्टाइलिस्ट, दैट वन। लेट्स स्टार्ट। यप, कोक स्टूडियो सीजन 14। अरे वाह, क्या बात है। इज्जत एहतराम, जल्दी जल्दी में ऐसे लिख रहे हैं। अब ये देखिए, जैसे आपने म्यूजिक बनाया, अहले जहां को क्या खबर, कौन है मुझ में जलवा बस, हाय 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 हाय, मैं हूं कहां, तुम ही तो हो असल में राज है ये। अरे वाह, ये सरेंडर है, पर्दा है, शौक है ये। देखना ये बात है, मुझे बताइए, आपकी स्टोरी नहीं है, पीड़ा मुंह में सीने लगाते मैं हंसती जावा, मैंने तो आपसे सीखा ही, मैंने आपसे ये सीखा क्योंकि आपने मुश्किलों को भी तो गले लगाया ना, और हंसते हंसते किया। अपने दिल को समझा रही हूँ कि परेशान ना हो, झूमो इजी, ठीक है ये। आप एक ही हैं, आपका एक्सप्रेशन भी आप ही का है,
Ah, this instrument. I was very curious about this. So there's a music player. हर गाने का अपना सेट है, हमारे फाइव व्यू डायरेक्टर्स ऑन बोर्ड, सो बड़ी एक इंटरेस्टिंग बड़ी टीम, नए लोग, विजन भी नहीं है, सो जो भी गाना है ना उसकी पूरी आर्ट डायरेक्शन हो रही है मैम, सो अब आप लोग भी अगर फॉर एग्जाम्पल इस गाने में हो तो इस गाने का हिस्सा हो, यू आर पार्ट ऑफ दैट नैरेटिव जो गाना बात है. Okay, so this is was everything. Hey, Assalamualaikum. My name is Zeeshan Parvez. I'm the director for a few songs over here at Coke Studio for this season. This year it's completely different. It's a super, it's a completely different overhaul process, I guess. Girls, yeah. I'm super proud, man. They sound like angels and look like angels today as well. So my super God. Proud of them. And I'm sure you're going to definitely angels, yeah. Hearing them in this. We told that in our own video also. Alright. Okay. Camera roll. Okay, silence. I got this track and it was the middle of the night and I listened to it and it actually made me very, very emotional. And that is the best thing about it, like letting go of your worries and whatever it may be, you just doom. Assalamualaikum, I'm Saad Sheikh, the director of choreography for the song Jhoom. We have fixed an ensemble of 10 people, 5 girls and 5 boys. And our modern contemporary folk, Sufism and hip hop, we have tried to popping and locking sub genres to make one thing. Okay, Saad Sheikh, the director. कोक स्टूडियो में दोबारा आई हूँ, एक अलग अंदाज से आई हूँ. बड़े अच्छे अंदाज से इन्होंने मुझे बुलाया, तो ये भी बहुत अच्छा लग रहा है. दरमियान में जो है अभी, लेकिन पहला कोरस आपका है ना, वो होना चाहिए, सबको पता चल जाए. ये मैडम जी आ गई, हमारे पाकिस्तान का सरमाया, पूरी दुनिया का सरमाया है. मैं सही कह रही हूँ, मैं उनकी बड़ी फैन हूँ. मैं जब उनको देखती हूँ तो मुझे रोना शुरू हो जाता है. स्केल इज बेसिकली ए क्लासिकल सेटअप दैट वी हैड एंड दैट्स द ब्यूटी ऑफ इट, दैट्स द होल कॉन्सेप्ट. टू लेजेंड्स लाइक आब्दुल जी एंड मिस्टर गुलाल जी facing each other, having a conversation. Absolutely stoked to be here. There's a certain transcendence that takes place when we're playing with Abda ji and Nasibo ji. Zulfi sahab ne bada acha ek malak sa ek azadi jo hai gaane ki, aur ek bada ek rhythm jo hai uska ek mastana aa raha hai. Jisme mastana aa raha hai, loves it. Masti hai. ये बाय द वे मैं आपको जन्म बताता हूँ, ये आइडिया की शुरुआत ये है. इन्होंने मुझे कॉल की, मेरा एक गाना आया था ग्रूव मेरा,
मुझे बात याद है, बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह क्या काम किया है। तो मैं रुक गया, उन्होंने कहा कि नसीबों के साथ और करें काम। नसीबो लाल जी से बहुत बड़ी फनकार है, हम इकट्ठे हो गए सारे। हसदे हसदे है जीना है निकल गई covered every person. Yeah. Yes. See, parallel universe से कुछ exist करके आई है, ऐसे लग रहा है, out, not from this world था। True. कोई magic हुआ है एक बार। पता नहीं क्या हुआ। And this was like an extra day, because like हो गया। So we just decided कि यार एक और। और मैंने आपसे जी की उनकी पुरानी वीडियो दिखाई, बचपन। And she was smiling and laughing. And this night enjoying. Good, yeah. And me and there she was. और एक एक बंदा भाई इज वेरी डीपली इन्वॉल्व इन दिस। ऐसा नहीं है कि सिर्फ हम शूट कर रहे हैं या वो गा रहे हैं, साफ नजर आ रहा है कि सब ने अपनी जो है ना रूह भी इसमें डाल दी। कोई इसको ऐसा होने नहीं दे पा रहा कि यार कहीं भी इसमें कोई मसला रह जाए। और ये तो ब्लेसिंग है, बल्कि ब्लेसिंग से ज़्यादा ये मिरेकल है। ये मुझे नहीं पता तो होगा। बड़ा अच्छा अल्लाह फतेह देगा इस प्रोग्राम को, इस गाने को अल्लाह रंग लगाए। ग्रेट यार, क्या बोलते हो? लॉट ऑफ थिंग्स टॉक अबाउट इन दिस। सबसे पहले तो जो ट्रांसेंड की जो बात की थी इन्होंने कि किसी दूसरी दुनिया में ट्रांसेंड हो जाना बैठे बैठे उस जगह पे, हम भी वही हो गए थे जब हमने रिएक्शन दिया था, और अभी भी वैसे ही हुआ। एंड दिस वीडियो फेल्ट मोर लाइक यू आर एक्चुअली देयर। हाँ, ऐसा लग रहा था कि हम वहाँ पे बैठ के इस चीज़ों को एक्सपीरियंस कर रहे हैं। नंबर वन, द वीडियोग्राफी वॉज वेरी गुड फॉर दिस पर्टिकुलर थिंग। उसके साथ इसमें इन्होंने एक बात बोला था कि वॉट स्ट्रक मी इन द एंड वॉज वो बैठे थे तो इन्होंने जाके वीडियो दिखाई बचपन की इनको, तो उन्होंने वीडियो देखी, उन्होंने बाद में शी वाज स्माइलिंग एंड ऑल दैट। तो झूम मतलब उनको भी थोड़ा याद दिला दे के मतलब झूमना क्या होता है, बचपन की एक फोटो दिखा देता है कि वो और अपनी रूह डाल सकें उसमें। नंबर वन, और एक नसीबो लाल जी को ये समझा रहे हैं ये कि तुम्हारी तो जिंदगी वैसी ही थी, सीना नो मैं दुकानों में सीने लामा, फिर भी पीड़ानों में सीने लामा, फिर भी हंसती जाऊँ, तो वो तुम फेस करके आए हो। तो सो इट वॉज मोर लाइक संजय लीला भंसाली इन अ सॉन्ग, दैट्स वॉट संजय लीला भंसाली डज विद दिस मूवीज। ही ट्राइज टू अटैक और ही ट्राइज टू एक्चुअली स्विच ऑन करते हैं उन लोगों का वो इमोशनल साइड को एक एक्टर के, जिसमें वो अपनी पर्सनैलिटी एक्टिंग की या फिर उनको जो उन्होंने नाम कमाया है, जो भी उन्होंने स्टारडम कमाई है, जो भी उनका एक पर्सनैलिटी है, उसको हटा के जो भी वो ऊपर से इल्यूजन है, एक शख्सियत को अपनी बाहर लाना, उससे एक्टिंग करवाना। तो आई थिंक उन्होंने भी यही किया है। एंड लाइक ही सेड, राइटली सेड कि एक्चुअली ट्रांसेंडिंग था वो गाना, वो इट वाज समथिंग पैरेलल यूनिवर्स से कुछ आया था वो। एंड दैट्स व्हाट आई सेड कि जब अच्छी नीयत के लोग जब ज्वाइन होते हैं, दैट्स व्हाट दिस व्हाट हैपेंस। तो लॉट ऑफ थिंग्स हियर, आई थिंक यू इफ यू स्टार्ट स्पीकिंग मैं भी थोड़ा जस्ट ट्राई टू रिकलेक्ट। सी, हम लोगों ने लास्ट वीडियो में ये कहा था कि वो द आर्ट डायरेक्टर एंड ऑल दो स्टफ, पर यहाँ पर उनकी मेहनत दिख रही थी, द जीशान परवेज जो भी कोरियोग्राफर थे। बट यू नो, डिड यू नोटिस समथिंग के जो भी वो
एंजल्स जो भी हो जिन्होंने काम किया यू नो दे हैव जस्ट टेकन अ फ्यू शॉट्स ऑफ देम दे हैव नॉट टेकन लॉट ऑफ टाइम लॉट ऑफ टाइम आल्सो बहुत ही कम और उसी को उन्होंने ऐसे क्रिएट करके वीडियो में डाला है कि हमको लगता ही नहीं कि वो यू नो बहुत जस्ट कम वक्त के थे हां आई थिंक एक कम से कम एक 1 मिनट या 2 मिनट की शॉट ली गई होगी कलेक्टिवली अगर देखा जाए तो अगर देखने गए तो बिकॉज़ क्लियरली उन्होंने दिखाया गया कि एक शॉट में उन्होंने एक कोरस को यू नो प्रॉपर ये करके लाइटिंग चेंज करके वगैरह वगैरह उन्होंने जस्ट उतना ही शॉट क्रिएट किया था उसी को उन्होंने यूज किया गया एंड जिस तरीके से यू नो इससे पहले हम लोगों के बीच में कभी एक बात होती थी कोक स्टूडियो में एक्चुअली क्या गा चुके होते हैं या फिर गाते हैं लाइव गाते हैं या नहीं अब यहाँ पर यू नो डिटेल्स में कोक स्टूडियो दिखाने लग गए क्योंकि बिकॉज आई थिंक ये BTS का सेशन इस साल से ही शुरू हुआ है पहले ये नहीं था अच्छा तो यहाँ पर क्लियरली हमें पता चल रहा है कि ये एक्चुअली करने के बाद इट्स नॉट लाइक कि म्यूजिक एक टाइम पे चल रही है गाना एक टाइम पे चल रहा है वैसा नहीं हो रहा है सब अलग 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 टाइम पे चल रहा है और उसे वो लोग मर्ज कर रहे हैं मर्ज करके वो एक आउटपुट निकल रहा है आई थिंक दैट्स अमेजिंग थिंग या देखो क्या होता है ना वो बोलते हैं ना कि अल्लाह किससे अच्छा काम किससे क्या करवा ले आपको पता नहीं है यू नेवर नो अब हम बोला जाए तो कोक स्टूडियो क्या है मतलब कोक स्टूडियो है क्या कोका कोला कंपनी है वो जो उनके कंपनी के मार्केटिंग के तहत ये करते हैं ये वो इतना प्रॉफिट्स कमाते हैं कि वो करोड़ों में बहुत ज़्यादा अरबों में कमाते हैं वो उनके लिए कोक स्टूडियो का स्पॉन्सर करना इट्स लाइक यू गिविंग 10 rupees टू समवन समथिंग उतना ही होता है लेकिन अगेन उस पैसों का फ़ायदा उठाना सही जगह लगाना और उससे सही काम लेना इज समथिंग वेरी बिग रिस्पॉन्सिबिलिटी विच द पाकिस्तानी इंडस्ट्री जो भी यहाँ पे जो लोग इन्वॉल्व हैं वो उठाते हैं वरना तो देखो ऐसी बड़ी बड़ी कंपनीज के तो बहुत सारे आते हैं वो उसको लाइटली लेके कुछ भी करवा के टेक्नोलॉजी डाल के कुछ भी करके कर सकते हैं वो आई थिंक हमने पाकिस्तानी इंडस्ट्री के ही बहुत सारे ऐसे देखे हैं हमने यू नो पिछले हमारे चैनल में जब हम रिएक्ट करते तो बहुत सारे अलग 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 टाइप ऑफ यू नो ऐसे शोज होते थे लेकिन कोक स्टूडियो ने जो नाम बनाया वो नहीं है और कोक स्टूडियो जो टैलेंट लाता है और जिस तरीके से उनका जो यू नो आउटपुट निकलता है वो आई थिंक वहाँ पर हम लोगों को एक्सपीरियंस इट ऑल डिपेंड्स देखिए कभी कभी क्या होता है ना कि इट ऑल डिपेंड्स ऑन द नीयत इट ऑल डिपेंड्स क्योंकि ये सब चीज़ें जो होती है जैसे तू झूम बनाएगा ना दूसरे गानों को तो रह नहीं बात लेकिन जो तू झूम जो बना है विच इज़ वन ऑफ द बेस्ट इफ आई कैन सी इट इज़ द बेस्ट सॉन्ग ऑफ द कोक स्टूडियो येट आई थिंक क्योंकि बिकॉज इट्स वेरी सिंपलिस्टिक इट्स वेरी क्या बोलते हैं उसको जो लूप है उसमें वो डाल देते हैं वो 10 बार 20 बार 30 बार सुनो कीप प्लेइंग इट इट डजंट इट बोर यू सो द वन रीज़न इज़ दैट कि इन लोगों का इंटेंशन यहाँ पे मालूम होता है कि ये लोग किस इंटेंशन से आए थे कि उन्होंने लास्ट में ये बोलती हैं कि जो चाहिए था हमको मिल गया हाँ अभी तो परवीन जी बोलती हैं जो चाहिए था हमको मिल गया चलो अच्छा है बोल के समटाइम्स दैट्स व्हाट हैपेंस कि हमको पता नहीं तो क्या हम क्या करने वाले हैं व्हेन वी मीट व्हेन वी डू समथिंग ओ माय गॉड वी क्रिएटेड समथिंग लाइक दिस बाद में पता लगता है कि हमने एक्चुअली क्रिएट किया है क्या ये सो ये यहाँ पे हुआ है यू नो दे आर शी इज अ लेजेंड लेकिन जिस तरीके का अदब उनके पास है जिस तरीके का उनका वेरी डाउन टू अर्थ संगीत तो यही तो चीज है संगीत की तो वही रिस्पॉन्स वहां से भी आ रहा है शी इज नॉट लाइक वो एक लेजेंड है तो ये एक बड़ी आर्टिस्ट है तो वो ऐसे बिहेव नहीं कर रही है कि यू नो आई एम अ सीनियर और ऐसा नहीं है सुपीरियरिटी नहीं है यू नो शी इज वेरी डाउन टू अर्थ दिस इज द थिंग यू नो यू नो व्हाट This is how knowledge works. You know, knowledge आपको खामोश करवा देती है knowledge आपको झुका देती है जो इंसान जो सर उठाता है ना उसका मतलब ये है कि उसके सर पे कुछ प्रेशर नहीं है देर इज़ नथिंग इज कैरिंग ही डज नॉट एनीथिंग जब आप नॉलेज और स्किल सेट को आप लेके आप होते हो तो आप झुक जाते हो ऑटोमेटिकली जिंदगी आपके ना अदब आता और कहते कि क्या है कि दे आर टू थिंग्स विच इनके अंदर जो अदब आया है ये दो चीज़ों की वजह से है एक तो है संगीत आला दर्जे का जिन्होंने अल्लाह ने इनको चूज करके दिया है एक तो सबसे इनका फाउंडेशन अच्छी शख्सियत नंबर वन नंबर टू आके जो म्यूज़िक की जो पहचान है इनकी म्यूज़िक की जो डेप्थ है उसकी वजह से जब डेप्थ को जानते हैं म्यूज़िक की सीखते हैं वो देन दे बिकम वेरी क्या कहते हैं उसको हम्बल उसके बाद होता है उर्दू उर्दू अदब है उर्दू इज़ अ डिसिप्लिन जैसे कि मैंने पहले कहा था जो वो उर्दू अदब कुछ जो एक सेंसिटिव लैंग्वेज को जो उन्होंने अगर सीख लिया तो वो अदब ऑलरेडी आ जाएगा एक दूसरे का उर्दू का अदब में दूसरों की इज्जत करना दूसरों का एहतराम करना बिकॉज वो इंसान नहीं ही इज़ द क्रिएशन ऑफ गॉड तो इफ़ यू आर बींग डिसरिस्पेक्टफुल टू मी बींग रिस्पेक्टफुल टू द क्रिएशन ऑफ गॉड सो ये सब चीज़ें वो सीखते हैं और आबिदा परवीन जी का आपने घर देखा बिल्कुल हम्बल छोटा सा बिल्कुल जितना हमको चाहिए उतना और जितना हम वो एक छोटे से सोफे हैं वहाँ पर बैठे हैं वो दैट्स इट और एक सटल एक माहौल एक नूरानियत है उस घर में
इतना ही चाहते हैं ये लोग, क्योंकि इनको जीना नहीं है, इनको बड़े बड़े घरों में नहीं रहना, इनको बड़ी बड़ी कारों में नहीं घूमना है इनको। अगर अभिता परवीन जी को अगर बड़ी बड़ी कार में घूमना होता तो आज पता नहीं आज वो कहाँ होते, कैसे कैसे गाने बनाने होते आज वो। जैसे कि यहाँ पे बपीदा थे, बपीदा यहाँ पे जो थे, बपीदा आज कैसे आजकल जिसमें आते हैं अपनी इज्जत एकदम गवा चुके हैं वो, ऐसे ही गोल्ड पेन के आते हैं, जोक्स करते हैं उनके ऊपर, जोक्स मारते हैं सारे वो मर लेते हैं। इनफैक्ट वो एक रिसेंट ऐड भी आया था एक जिनके मुंह पे लाइट बंद करता है वो, इनको भेजो यहाँ से बोल के वो क्रेडिट का ऐड आया था। तो अगर उनको पैसे चाहिए होते तो वो भी कर लेते अबिदा परवीन जी, लेकिन इनको इज्जत प्यारी है तो एहतराम प्यारा है। तो दिस इज वाई दिस पीपल आर इन टू म्यूजिक फील्ड एंड दैट्स वाई दे हैव सो मच ऑफ हम्बलनेस विद इट। नसीबो लाल जी तो अच्छी हैं ही, बड़ी हैं ही, ऑब्वियसली उसके साथ साथ अमीर खुसरो की हर एक गज़ल और हर एक कलाम के ऊपर एक महारत हासिल करना बड़ी बात होती है समझ के, और उनके पैगाम को पहुँचाना। नाउ वेन शी हैज़ डन दैट इन इंडिया, शी हैज़ सरमाया है दुनिया का बोल रहे थे, वो सरमाया झुक के आपको बात कर रहे हैं, तो इमेजिन द पर्सन क्या होगा वहाँ पे। Obviously. वो सबको शुक्रिया बोल And रहे थे। I think the most luckiest person इन सबके बीच में है द प्रोड्यूसर, द प्रोड्यूसर ज़ुल्फी, ज़ुल्फी exactly. वो तो खुद इमोशनल हो गए हैं, वो उनको पता ही नहीं कि उनका एक बहुत बड़ा सपना पूरा हो रहा है। Exactly. ही इज ऑलमोस्ट पूरे वीडियो में उनकी जो बातें हैं वहां से पता चल रहा है कि ही इज वेरी इमोशनल। ये फीलिंग कैसी होती है ना, इमेजिन के यू आर वेरी टायर्ड, आपने बहुत मशक्कत करी, आपने बहुत पसीना आ गया आपके चेहरे पे, इट वॉज वेरी डिफिकल्ट डे फॉर यू, एंड सडनली वॉट हैपन्स इज कि एवरी प्रॉब्लम इज सॉल्व, सडनली एक ठंडी हवा का झोंका आता है, एवरीथिंग इज ऑलरेडी, आप कूल फील करते हैं, जो पसीना आज आया था वो सूख चुका है, एवरीथिंग नाउ इट्स सेटिस्फैक्शन ओनली, वो वाली फीलिंग मुझे यहाँ पे उन्होंने दी। एस्थेटिकली भी वो बहुत ही अच्छी थी, और जहाँ पे अगर एंजल्स की बात करें तो माशाल्लाह, मेरा मुझे अब इस वक्त पर ये बोलना अच्छा होगा नहीं होगा मुझे पता नहीं, लेकिन एंजल्स तो बहुत अच्छे थे यार यहाँ पे, दे वर लाइक द वे दे इतना मॉडेस्टली ड्रेस थे वो सारी लड़कियाँ, जैसे कि यू सेड के वेरी फ्यू शॉट्स बट इट फेल्ट लाइक दे वर देयर ऑल ओवर द वेरी इंटेलिजेंट क्लेवर एडिटिंग थी वहाँ पे, तो उसकी वजह से वो लॉट ऑफ थिंग्स एक्चुअली लास्ट वीडियो में ज़्यादा बात नहीं कर पाया, मैंने वीडियो देखी हुआ है लाइक क्या यार इतना ही बात कर पाया मैं, दैट्स इट, बिकॉज समटाइम्स यू नो नॉट एवरी सॉन्ग डिजर्व्स प्रेजेस। उस कलाम को सुनने के बाद उस वीडियो में हम लोग एक्चुअली हमको पता है we आउट ऑफ वर्ड्स, हम लोग exactly. क्या बात करें पता नहीं था, बिकॉज वी एक्चुअली लॉस्ट, मतलब हम लोग इतना इन्वॉल्व हो गए थे उसमें कि उसके बाद हम लोगों को समझ में ही नहीं आया, उसके बाद वी कुड नॉट डिस्कस लॉट ऑफ थिंग अबाउट दैट। है ना कि जो बोलते ना कि ए गुड वर्क इज समथिंग विच यू कैन नॉट प्रेज, अगर आप प्रेज नहीं कर सकते तो मान लो गुड वर्क है, इट्स द एपिटोमे ऑफ गुड वर्क एंड यू हैव नो वर्ड्स टू से एंड इट जस्ट दैट यू लीव इट लाइक, आप अपनी तरफ से कोशिश करो जितना कर सको तारीफ कर सको, हो गई तो हो गई, अदरवाइज वी कैन नॉट हैव के इतना डिजर्व करती है तारीफ, या ऐसा कुछ है नहीं। तो या सो एनीथिंग एल्स फ्रॉम योर साइड, आई थिंक आई हैव लॉट ऑफ थिंग्स आल्सो बट मुझे लगता है कि आई विल नॉट बी एबल टू नो आर्टिकुलेट ऑल दैट राइट नाउ, लगता है फिर भी जितना हो सके। सो या दिस वाज आवर रिएक्शन ऑन द मैजिकल जर्नी ऑफ तू झूम BTS Coke Studio 14 का। जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन बेल रिंग कीजिए फॉर मोर एंटरटेनमेंट एंड यू कैन फॉलो अस ऑन इंस्टाग्राम, इसके लिए डिटेल्स हमने दिए हैं। ऐसा आता था मेरा, अभी लैपटॉप ऊपर हो गया हमारा थोड़ा सा, मैं यहीं पर आएंगे। आई होप यू आर विजिबल। हां नो वी आर विजिबल। सो दिस इज मोहम्मद शाविस मोहम्मद इनायत साइनिंग ऑफ।